हैं, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रायपुर से सबसे बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक, नए सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 बज चुके हैं और ये मीटिंग बेहद अहम हो जाती है, बीजेपी विधायक दल की बैठक, क्योंकि नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान मीटिंग के बाद कभी भी हो सकता है। पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी लेकिन करेंगे, और अगर कोई नाम केंद्र नेतृत्व की तरफ से तय किया गया है तो पर्यवेक्षक उस नाम को भी विधायक दल की मीटिंग में रखने की कोशिश करेंगे, फिर रायशुमारी लेंगे कि क्या वो इस नाम से सहमत हैं, उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है, या फिर विधायक क्या चाहते हैं कि आखिर वो किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इन तमाम पहलुओं पर आज बातचीत होगी। 3 पर्यवेक्षक इस वक्त मौजूद है विधायक दल की मीटिंग में, अर्जुन मुंडा, दुष्यंत गौतम और साथ ही सर्वानंद सोनोवाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कभी भी हो सकता है, शाम के वक्त का इंतजार लगातार किया जा रहा है। उम्मीद तो वही है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और इसको संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोग जानेंगे और वो लोग जो चाहेंगे वो हमारे के लिए। आपकी पसंद क्या है? आप हमारे पास पसंद है भारतीय जनता पार्टी। सामान्य रूप से भाजपा की अपनी एक प्रक्रिया है, विधायक दल की बैठक होगी, सबके सुझाव होंगे, सबकी बात की जाएगी और उसी में से भारतीय जनता पार्टी के जो भी राय मशवरे के बाद में नाम निकल करके आएगा वो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, हम एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमें जो जिम्मेदारी मिलती है हम उसको निष्ठापूर्वक निभाते हैं। उन्होंने एक जिम्मेदारी दी, प्रत्याशी बनाया, उसको हमने निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयास किया। आगे भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। जो भी हमारे पार्टी में कई अच्छे चेहरे हैं और सब लोग योग्य हैं, जो भी पार्टी तय करेगी उस हम सबको मान्य करेंगे और छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास को आगे बढ़ाएंगे। अरे जो हमारे राष्ट्रीय बोलेगा वही हम। देखिए, जो भी होगा अंदर बैठ के हम लोग डिसाइड करेंगे और हमारे पार्टी के नेता लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। सर पापा बोले घर बुलाना है। सर आज बस हो गया भैया, सर मेरा मुझे अपना काम से तमाम ऐसे आप नेताओं को सुन रहे थे जो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। उनका यही कहना था कि जब छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने बनाया है तो बीजेपी ही चलाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और किसे चुना जाएगा इसके बारे में कोई भी खुलकर नहीं कह रहा था। आकाश भी हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं रायपुर से, और युगल भी मेरे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं, दोनों से ही बातचीत करेंगे। आकाश थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अभिषेक, डिप्टी एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास क्या हलचल है वहां पर, और अभी मीटिंग क्योंकि लगातार जारी है, कब तक ये मीटिंग चलेगी? देखिए, अभी विधायक अंदर पहुंचे हैं यहां पर, और जहां तक बात है मीटिंग की, तो मीटिंग पहले उससे पहले एक लंच होगा विधायकों के साथ, तमाम पर्यवेक्षक प्रभारी एक लंच करेंगे। लंच के बाद ये मीटिंग चालू होगी, 1 बजे के बाद ये लगभग मीटिंग शुरू होगी और उसके बाद 1-to-1 होगा, तमाम विधायकों का पर्यवेक्षक बुलाएंगे, सबसे सभी विधायकों से चर्चा करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे। कुछ नाम जो है पर्यवेक्षक है उनके पास होंगे, कुछ नाम विधायक बताएंगे, तो तमाम लोगों के साथ फीडबैक लेकर ये चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। और जब ये 1-to-1 कम्प्लीट हो जाएगा तो जो भी फीडबैक होगा वो केंद्रीय नेतृत्व को दिया जाएगा, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व जैसा निर्देश देगा फिर नामों का ऐलान यहाँ पर किया जाएगा। तो मान के चलिए कि शाम को 4 बजे के आसपास ये नामों का ऐलान यहाँ पर हो सकता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो सकता है। नाम अभी किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ जो कयास चल रहे हैं, चर्चाओं में जो नाम है वही सबके पास है। अभिषेक, दोबारा से आपके पास आऊंगे, एक बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं आपके जरिए। 2 बजे बैठक शुरू हो जाएगी, रमन सिंह कुछ ही देर में कार्यालय पहुंचेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, 2 बजे बैठक शुरू हो जाएगी, बड़ी खबर, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, 53 विधायक
बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। उससे पहले लंच, जैसा कि अभिषेक भी बता रहे थे, उससे पहले लंच होगा और उसके बाद मीटिंग शुरू होगी 2 बजे करीब। युगल भी लगातार जुड़े हैं। युगल, 2 बजे बैठक शुरू होगी, उससे पहले क्या हलचल है आज छत्तीसगढ़ में आज, क्योंकि शाम तक ये पता चल जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। जी बिल्कुल, देखिए 53 विधायक हैं, अब तक बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और इंतजार है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कुछ देर बाद ही पहुंचने वाले हैं, जिस तरह से सूचना मिली है। और जैसा कि लंच के बाद लगभग 2 बजे बैठक है वो शुरू हो जाएगी, वो उसके बाद 1-to-1 होगा। और ये यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में पूरा एक तरह से देखा जा सकता है, काफी लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो अपने क्षेत्र के जो नेता है उन्हें मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं। उन तमाम लोगों की भीड़ है यहाँ पर मौजूद है, समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया है कि कहीं सुरक्षा पे कोई चूक ना हो। अभी कुछ देर पहले ही बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे थे, 2 ऐसे विधायक है जो पहुंच नहीं पाए थे, उनमें से एक बृजमोहन अग्रवाल था और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कुछ देर बाद ही पहुंचेंगे। तो अब 53 विधायक है, 54 विधायक जीत करके आए हैं बीजेपी के, जिनमें से 53 विधायक हैं वो कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी कार्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और सभी को जो सूचीबद्ध है वो कर लिया गया है। लंच के बाद ये अहम बैठक है वो शुरू होगी, उसके बाद छत्तीसगढ़ का मुखिया कौन होगा, बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा, उस पर राय शुमारी होगी, चयन होगा। जी ठीक है अभिषेक, लेकिन वहां की हलचल से क्या कुछ समझ में आ रहा है कि बीजेपी इस बार क्या ट्रेंड सेट करने वाली है या क्या सरप्राइज देने वाली है या किसके चेहरे की ओर आगे बढ़ेगी बीजेपी, किसके चेहरे को लेकर आएगी, कुछ ऐसा अंदाजा? चर्चाएं जो चल रही है पिछले एक हफ्ते से नामों को लेकर, वो नाम तो है ही, साथ ही साथ बीजेपी कोई सरप्राइज भी दे सकती है, कोई नया नाम भी ला सकती है, इसके भी आसार है। तो नाम क्योंकि किसी को कुछ भी पता नहीं है, सभी अपने अपने अंदाजे से चल रहे हैं, सभी सूत्रों के हवाले से नाम चल रहे हैं और ओम माथुर कहते रहे कि चौंकाने वाला भी नाम हो सकता है। तो ये जो चर्चा जिन नामों के चल रहे हैं, चाहे अरुण साव की बात कर लें, विष्णुदेव साय की बात कर लें या डॉक्टर रमन सिंह की बात कर लें, ओपी चौधरी की बात कर लें, गोमती साय की बात कर लें, ये वो नाम है जो लगातार चर्चा में है। लेकिन इसके इतर भी नाम नहीं होगा ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो ये क्योंकि जो कार्यशैली अभी तक देखी गई है, कई बार चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं जो किसी कोई अंदाजा नहीं लगा पाता, इसीलिए इंतजार करना होगा पुख्ता सूचना के लिए। जब तक नाम तय नहीं हो जाता तो कुछ ही घंटों में मुझे लगता है नाम भी फाइनल हो जाएगा। अच्छा, ये जो लंच यहाँ पर तय किया गया है, जो लंच के लिए तमाम नेता इकट्ठा हुए हैं, अभिषेक, इसको अगर मैं पॉलिटिकल नजरिए से देखूं तो क्या किसी तरह का डैमेज ना हो या डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी हम देख सकते हैं, गिले शिकवे दूर करने के लिए, या फिर नाराज मत हो जाइएगा नाम के ऐलान के बाद, इसलिए भी पर्यवेक्षकों के साथ में ये प्रॉपर लंच प्लान किया गया है? नहीं, देखिए डैमेज जैसी बात बीजेपी में कभी आती नहीं है और डैमेज कंट्रोल जैसा कोई भी फैक्टर बीजेपी में कम से कम काम करता नहीं दिखा है पिछले कई सालों से। इसलिए ये क्या है कि बैठक होनी है, 54 विधायक हैं तो लंबा समय लग जाएगा 1-to-1 हर विधायकों से जब बात की जाएगी, पर्यवेक्षक बात करेंगे, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि एक अनौपचारिक मुलाकात भी हो जाएगी पर्यवेक्षकों के साथ और लंच भी हो जाएगा, लंच के बाद ये बैठक शुरू होगी। ये तमाम चीजों को ध्यान में रखकर यहाँ पर किया गया है और बैठक चलेगी और बैठक के बाद क्योंकि नाम का ऐलान होगा फिर एक लंबा सिलसिला चलेगा, इसीलिए कोई हड़बड़ी में पर्यवेक्षक भी नहीं है, इत्मीनान से वो पूरा समय ले रहे हैं, विधायकों से बात करेंगे, 1-to-1 करेंगे, समझेंगे, फीडबैक लेंगे। ठीक है अभिषेक, क्योंकि समझने की कोशिश होगी और यहाँ पर ये जानने की कोशिश होगी कि विधायकों के दिल में क्या है। युगल भी साथ जुड़े हैं। युगल, ये जो लंच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इससे विधायकों के चॉइस को और समझने की कोशिश होगी कि विधायक क्या चाहते हैं। 53 विधायक है, 53 विधायकों का दिल और विचार एक तो नहीं हो सकता, तो ये भी जानने की कोशिश होगी इस लंच के जरिए बैठ कर एक साथ एक टेबल पर कि वो क्या चाहते हैं अनऑफिशियली थोड़ा।
ये बिल्कुल देखें 54 विधायक है जीत करके, एक बड़ी जीत है बीजेपी ने दर्ज की है और इसे साफ ये कहा जा सकता है कि बैठक लंबा चलेगा और यही वजह है कि जो लंच की व्यवस्था की गई है और ये वो समय होता है जी जब खाते पीते लोग जो आम चर्चा है जो कुछ गप सड़ाके भी लगा सकते हैं, इसके बीच एक सहजता के साथ खाने के साथ सहजता के साथ वार्तालाप भी किया जा सकता है। और अगर हम बात करें बीजेपी में जिस तरह से बगावत होती नहीं है, संगठन है, संगठन को लेकर के लगातार जिस तरह से बगावत कभी दिखती भी नहीं है, ये बात तो तय है कि जो संगठन नाम तय कर देगा, जो विधायक दल नाम तय कर देगा, उसके बाद किसी तरह के विरोध है वो सामने नहीं आते हैं। बिल्कुल जो सुशासित पार्टी इसे माना जाता है, अंदर जरूर विरोध हो जाएंगे लेकिन बाहर वो विरोध कभी दिखता नहीं है। तो ये कहा जा सकता है ये एक ट्रेंड है कि जब भी राजनीतिक दल के लोग मिलते हैं तो इस तरह से खाना खाते हैं, खाना पर चर्चा होती है, चाय पर चर्चा होती है, तो ठीक इसी कड़ी में इसको भी देखा जा सकता है। लेकिन अभी तक जितने भी हमने विधायकों से बात किया है, चाहे पूर्व मंत्रियों से बात की है, उन्होंने अपना पसंद जाहिर नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि संगठन जो तय कर दे, जो विधायक दल जो तय कर दे, वही को सर्वमान्य नेता माना जाएगा। और जिस तरह से अलग अलग नामों पर पहले भी चर्चा होती रही है, चाय ठेले से लेकर के गांव तक और गुमटी चौपाटी तक भी मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी चर्चा होती रही है, तो जिस तरह से चौंकाने वाले नाम भी आ सकते हैं। ओम माथुर लगातार कहते रहे कि ऐसा नाम होगा जो हैरान कर सकता है, तो नए नामों पर भी सहमति बन सकती है, पुराने नामों पर तो लंबी फहरिस्त है। खुद जो कैंडिडेट है वो भी सरप्राइज हो सकता है कि उसका नाम आ गया मुख्यमंत्री के रेस में पहले, या उसके नाम का ऐलान कर दिया गया। हालांकि कई बार तो बीजेपी पहले ही ये बता भी देती है, जब हम सीटों के बारे में उनसे जानकारी ले रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, तो कई विधायकों को पहले ही फोन आ गया था कि हाँ आपको टिकट मिलने वाला है। कई कैंडिडेट्स को पहले से ही पता था कि उनको टिकट मिलने वाला है, लेकिन बहुतों को नहीं भी पता था, तो उनके लिए सरप्राइजिंग था। तो मुख्यमंत्री के भी समय यही होगा कि खुद मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी सरप्राइज हो जाए कि अच्छा मेरा नाम है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए टिकट वितरण की अगर हम बात कर ले, ईश्वर साहू एक ऐसा व्यक्ति था जिसे पार्टी से दूर दूर का संबंध नहीं था, वो जरूर सदस्य था, लेकिन ऐसे व्यक्ति को विधायक के टिकट दिए गए और बकायदा उसने एक कद्दावर मंत्री है रविन्द्र चौबे कृषि मंत्री को हरा करके विधानसभा पर पहुंचे, तो इससे साफ जाहिर है कि टिकट वितरण से लेकर के मुख्यमंत्री चयन तक के इस तरह की प्रक्रिया बीजेपी अपना सकती है, क्योंकि बीजेपी साफ ये बात तय कर चुकी है कि आने वाले 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होना है तो बीजेपी का फोकस छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तय करना तो जरूर है, लेकिन ये भी है कि 2024 के जो लोकसभा के जो चुनाव होंगे इसमें किस तरह से बड़ी जीत दर्ज की जाए। और अभी भी जिस तरह से पिछले लोकसभा के चुनाव में बड़ी जीत बीजेपी को मिली थी, तो 11 सीटों पर कब्जा करना बीजेपी का मेन फोकस हो सकता है। उसी लिहाज से यहाँ का मुखिया कौन होगा ये तय होगा, संगठन है यहाँ पर किस तरह से आगे की रणनीति है तय करेगी। और अभी चौंकाने वाले नामों का बिल्कुल ऐलान हो सकता है, इसमें कोई अचरज नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। बीजेपी इससे पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के वक्त से लेकर के लगातार दौरा करते रहे। अमित शाह जिसे चाणक्य कहा जाता है, वहां रात भर यहां पर बैठ के रणनीति बनाई, रणनीति को अमल भी किया, तो इससे साफ है, परिणाम साफ दिख रहा है कि एक वक्त था जब बीजेपी कहती थी कि बीजेपी को ही भरोसा नहीं था कि इतनी सीट आएगी, कांग्रेस कहती थी 75 पार का जो नारा उन्होंने दिया था, अब इसके उलट देखिए 54 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है और ये बड़ी जीत कही जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद ये एक बड़ी जीत है, अब तक बीजेपी को 54 सीटें नहीं मिली थी, तो ये बड़ी जीत इसे कही जा सकती है। और ये है चौंकाने वाले नाम, प्रदेश अध्यक्ष रहते ये जीत बीजेपी को हासिल हुई है। अरुण साव के भी मुख्यमंत्री फेस के रेस में रहने की बातें सामने आ रही थी, तो अभिषेक बीजेपी का वो बेस फैक्टर क्या होगा मुख्यमंत्री चुनने के पीछे? देखिए बीजेपी का बेस फैक्टर कुछ नहीं होना है, विधायकों का फीडबैक लिया जाएगा, क्योंकि ओबीसी बाहुल्य प्रदेश है, ओबीसी कैंडिडेट रखने की भी बात हो रही है, क्योंकि जब कोई मुख्यमंत्री या बड़ा चेहरा चुना जाता है तो कई सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बाहुल्य है, ओबीसी बाहुल्य है और महिलाओं ने भी अच्छा खासा वोट यहां पर किया है, बावजूद इसके 15 साल डॉक्टर रमन सिंह यहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आप फैक्टर का अंदाजा यहां पर लगा नहीं सकते छत्तीसगढ़ में, क्योंकि
बहुत ज्यादा जातिगत राजनीति छत्तीसगढ़ में हावी नहीं है, ये इस चुनाव में भी दिख गया और लगातार चुनाव में दिखता रहा है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो बीजेपी का नेतृत्व है वो कोई फैसला लेते समय किसी प्रकार के कोई जातिगत दबाव में यहाँ पर आएगा। वो यहाँ की तासीर को समझ रहा है और तासीर को समझते हुए भी कोई भी चेहरा यहाँ पर ला सकता है, जनरल फेस भी ला सकता है, आदिवासी ओबीसी फेस भी यहाँ पर ला सकता है। चर्चाओं का जो बाजार गर्म है, जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें सभी वर्ग के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जनरल फेस भी सामने आ रहे हैं तो ओबीसी और आदिवासी वर्ग के लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। इसीलिए किसी को भी बनाया जा सकता है, कुछ महिलाओं के भी नाम सामने आए हैं क्योंकि उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, महिला वोटर बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति तो को आपसे ज्यादा बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई समझता होगा। आप ग्राउंड जीरो से पूरे चुनाव के साथ साथ मतगणना वाले दिन भी आप वहां पर थे, हमने तमाम डिस्कशंस भी किए हैं। क्या लगता है छत्तीसगढ़ की तासीर क्या है, छत्तीसगढ़ को क्या चाहिए, कैसा चेहरा छत्तीसगढ़ के लिए? लोगों की अगर ख्वाहिश की बात, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोटिंग की है, उनका चेहरा बीजेपी ने सामने रखा था, सरकार की कई योजनाओं के खिलाफ वोटिंग की है, तो आम लोगों की जो इच्छा थी उन्होंने वहां पर दिखा दी है कि बीजेपी को वोट दिया है आम लोगों ने और फ्री हैंड दिया है एक तरीके से पीएम मोदी के नाम पर वोट देकर कि आप एक बेहतरीन चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ को दीजिए। तो उन्होंने अपना मैंडेट लॉक कर दिया और जो कहा जाए चुनने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को पीएम मोदी को दे दिया। अब इंतजार है कि उस पिटारे में से क्या कुछ निकल कर सामने आता है, केंद्रीय नेतृत्व कौन सा नाम सामने लेकर आता है, उसे कौन बेहतर लगता है, क्योंकि जो मैंडेट बीजेपी को इस बार मिला है पिछले 15 साल शासन करने के बाद भी नहीं मिला था, जो मैंडेट 54 सीटें बीजेपी को यहाँ पर मिली है, तो एक बड़ा मैंडेट बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। ये कई बड़े दिग्गजों को हराते हुए बीजेपी के लोग यहाँ पहुंचे हैं, लगभग आधे जो प्रत्याशी थे बीजेपी के बिल्कुल नए फ्रेश चेहरे बीजेपी ने यहाँ पर दिए थे, कई सीनियर्स को मौका दिया था, तो कॉम्बिनेशन सीनियर्स और फ्रेशर दोनों का बना हुआ है यहाँ पर। ऐसे में चेहरा कौन सा होगा, जो चर्चा में नाम चल रहे हैं वो भी हो सकते हैं, उससे हटकर भी नाम हो सकता है ये भी हो, क्योंकि बीजेपी की कार्यशैली जो मुख्यमंत्री चुनने की या घोषणा करने की रही है कई बार चौंकाने वाली रही है और सभी अंदाजा लगाते रह जाते हैं और कोई नया नाम सामने आ जाता है। बिल्कुल युगल, बिल्कुल युगल भी साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप जैसा बता रहे हैं कि चेहरों को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चेहरा तो खैर सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनाव के दौरान में पूरे समय छत्तीसगढ़ में नजर आए थे, उनके चेहरे पर कई वोटर्स और भी ज्यादा एक्टिव हुए। युगल, आप तो ग्राउंड जीरो पर थे, आप तो वोटर्स के बीच में गए, वोटरों के मूड को आप क्या समझ पाए हैं? वोटर्स का मूड क्या नए चेहरे को एक्सेप्ट करना चाहता है या फिर पुराने चेहरे के लिए के साथ आगे बढ़ना चाहता है, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में जिस तरह से वोटिंग हुई, बीजेपी के निशान पर हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यहाँ पर गारंटी दी उसको लेकर के जो बड़ी जीत है बीजेपी को मिली। अगर हम बीजेपी के पास विकल्प की बात करें तो देखिए, अगर प्रशासनिक दक्षता की बात करेंगे तो वहां पर ओपी चौधरी बिल्कुल फिट होते हैं, पूर्व आईएएस हैं, युवा आईकॉन हैं, तो उसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। अनुभव की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी एक ऐसा चेहरा है, बड़ा उनका औरा है, बड़ा उनका कद है। इसके अलावा संगठन की अगर हम बात करें, संगठन से जुड़े हुए बात करें तो विष्णुदेव साय है और खुद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, ऐसे चेहरे हैं जिनको संगठन का रोकना चाहोगे। कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। भाजपा की सरकार बनने जा रही है और 5 साल का जो कुशासन था उसके खत्म होने का समय आ चुका है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी वापस से विकास की ओर अग्रसर होने वाली है और हम सब अपने मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और फिर उनके अनुसरण जो हमारे सेनापति बनेंगे उनके अनुसरण में हम सब काम कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक होगी, जो निर्णय वरिष्ठ जन लेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी लेगी, जो हमारा बॉस लेगा वही सब। और विधायक दल की बैठक में सकता है मुख्यमंत्री का सब चयन करेंगे। कोई आप लोगों का कोई विशेष पसंद है क्या कि कौन मुखिया हो? विशेष पसंद नहीं है और जो होगा अच्छा ही होगा। हमारी सबकी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी है और हमारी सबकी प्राथमिकता आस्था
निष्ठा श्री नरेंद्र मोदी। कोई विशेष पसंद दिया? नहीं, कोई विशेष पसंद नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही पसंद है और श्री नरेंद्र मोदी। धर्मजीत जी, जिस तरह से प्रचार के लिए जाते थे, आज भी वही चश्मा है अमिताभ बच्चन के जैसे। आप कहते थे मैं प्रचार करने जाता हूँ, हाथ हिला के आ जाता हूँ, लेकिन जनता ने जिता दिया वहां से। जी, मैं तो अपने राजनीतिक जीवन में सबसे कम। विधायकों और नेताओं के दिल की बात आप सुन रहे थे, उनका क्या कहना था। लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।